I'm Dr. Neeru Pathak, Principal, DPS Ajmer Tabiji, and I wish a very, very happy Deepavali to all the Ajmer. Shri Kubera Collection ki taraf se sabhi Ajmer Shahar vaasiyon ko Diwali ki hardik shubhkamnaen. Main Anuj Agarwal, Ajmer Tanish Showroom se. Ajmer ke sabhi Shahar vaasiyon ko main Tanish ki aur se Diwali ki shubhkamnaen dena chahta hoon aur ye chahta hoon ki aap sabka दिवाली बहुत अच्छे से बने। एमडी मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू मच गुड रिटायरमेंट। आदरणीय प्रधान जी, गिरधारी जी, बहुत सारे लोग हमारे बीच में पधारे हैं और जिनका अभी जिक्र किया, पिछले लोकसभा में 2014 उस 2014 की लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर पर हुकूमत कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन वहां पर वोटों की हुकूमत करी और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट किसी ने लिए तो रामचरण बोरा जी ने लिए, जो जयपुर के सांसद हमारे बीच में पधारे। हरीश कुमार जी, जब से जनसंघ बना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, सहज और सरल भाव से, सेवा भाव से, वार्ड मेंबर से शुरू हुए, विधायक भी बने, जिलाध्यक्ष बने, सांसद का चुनाव लड़ा और पिछली सरकार में जो माटी कला बोर्ड पहली बार, ऐसे हमारे उन भाइयों के लिए जिनके हाथों में विश्वकर्मा का वरदान है, ऐसे माटी कला बोर्ड के हमारे चेयरमैन रहे आदरणीय हरीश कुमावत जी, जो नागौर की धरती से हमारे बीच में आए। युवा मोर्चा पार्टी का ऐसा मोर्चा जो हरावल दस्ते के रूप में आगे लड़ता है, आप सब लोग सैनिकों के परिवारों से आते हो, उस अहमियत को जानते हो, ऐसे हमारी पार्टी के उस युवा मोर्चे के हरावल दस्ते के प्रदेश के अध्यक्ष, जो पिछले कई दिन से अच्छी मेहनत करके जिन्होंने नौजवानों को प्रेरित किया मंडावा की धरती पर, ऐसे हमारे अशोक सैनिक जी जो युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष है। मंच पर बहुत लोग हैं हमारे, अभी अरे अभिनेश महर्षि जी, अभिनेश जी बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अभिनेश महर्षि जी का भविष्य कहीं सुधरता हुआ सुनहरा दिखता हुआ लगा और पहली बार चुनाव के लिए कई बार लड़े, कोशिश भी कई बार लड़ी की, लेकिन इनका अंक गणित ज्योतिष से मेल खाता था, निजाम मेल खाता था, तो भारतीय जनता पार्टी से खाता था, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से रतनगढ़ से विधायक के रूप में आपके बीच में पधारे। हमारे इस मंच पर आज अशोक गहलोत जी ने चंडीगढ़ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं, इस बात का जिक्र किया है कि भाजपा को नागपुर से रिपोर्ट कार्ड चाहिए या भारतीय जनता पार्टी गांधी और अम्बेडकर को नहीं मानती है। मैं समझता हूं कि बौखलाहट भरा बयान है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ग्राम स्वराज्य की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अंत्योदय की योजना से मेल खाती है। जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये अपने आप में एक दर्शन है, विचार है, जो समाज को और देश को बदलने की भावना के साथ काम करता है और उसी अनुरूप भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक साम्यता संघ से रखती है और इसलिए हम सब लोग मिलकर इस देश के पुनर्निर्माण के लिए और परम वैभव के लिए काम करते हैं। अशोक गहलोत जी, क्योंकि पुत्र की हार के बाद, कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में करारी हार के बाद और आने वाले निकाय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हार की आशंका से मुझे लगता है बौखलाए हुए हैं, इसलिए उनकी शुरुआत बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बयानों से होती है, उनकी शुभरात्रि भी इसी रूप में होती है।